नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट की खास पेज का स्पोर्ट्स पोस्ट में। पीसीबी को बड़ा झटका लगा। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि भारत की जो टीम है वो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी जो 2025 में होने वाली है, भारत की टीम वहां नहीं जाएगी। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है उसके अनुसार ये कि भारत सरकार ने साफ तौर पर एक कह दिया है कि आतंकवाद और खेल साथ में नहीं चलेगा। आप सभी को पता होगा कि पाकिस्तान के जो आतंकवादी है जम्मू कश्मीर में आए दिन लगातार आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जाबाज जो सेना के जवान हैं जो शहीद हो रहे हैं और लगातार आतंकवादी हमले, और साथ में ये चाहते हैं कि हम जाकर वहां पर पाकिस्तान में क्रिकेट खेले। ऐसा नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान में आतंकवाद है और ये हर किसी को पता है, और ऐसे में भारत सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है। और साथ के साथ ही जो भारत के सीनियर खिलाड़ी है वो भी पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान के साथ खेलने में इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहे हो। अब ऐसे में जो बीसीसीआई है वो बड़ा फैसला लेने वाले। अब सभी को बता दें, अब बीसीसीआई जो है आईसीसी को साफ तौर पर कहेगा कि अगर जो है आप चाहते कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेले तो आपको हाइब्रिड मॉडल यहां पर उसी तरीके से करना होगा जिस तरीके से एशिया कप के दौरान हुआ था। आप या तो दुबई में मैच करवा लो या फिर आप श्रीलंका में मैच करवा लो, तभी भारत उस ट्रॉफी यानी कि उस लीग में पार्टिसिपेट करेगा। और अगर पाकिस्तान ये सपने देख रहा होगा कि वो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी कराएंगे, हाइब्रिड मॉडल नहीं करवाएंगे और भारत वहां पर जाकर खेलेगा, तो भैया आप अपने सपने से उठ जाइए और मुंह पे ठंडा पानी मारिए, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। आपको पहले पाकिस्तान को आतंकवादी को जो आतंकवादी गतिविधियां है उस पर रोक लगाना होगा, और हमने साफ तौर पर भारत ने अपना रुख हमेशा साफ किया है। पाकिस्तान जब तक आतंकवादियों को रोकेगा नहीं, भारत के साथ क्रिकेट नहीं खेला जाएगा। बायलेटरल हो या कुछ भी हो, पाकिस्तान में तो जाने का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि कौन हमारे खिलाड़ियों की सुरक्षा मुहैया करवाएगा? क्या पाकिस्तान के ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते। और यहां पर भारत सरकार ने रुख साफ कर दिया है। जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, आईसीसी की एक मीटिंग होने वाली है जिसमें बीसीसीआई ये प्रस्ताव रखेगा। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि पाकिस्तान कितना तड़पता है और क्या क्या हाथ पैर मारता है। पर एड जो रिजल्ट होगा इतना तो तय है कि भारत पाकिस्तान में जाकर क्रिकेट तो नहीं खेलेगी। ये चाहे जो मर्जी कर ले पाकिस्तान वाले, वो इसको करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। एट द एंड उनको जो है हाइब्रिड मॉडल ही करवाना होगा। पर इससे पीसीबी को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि देखो आप जो है कि वो चाहते थे कि भारत की टीम वहां पर जाए, पर हालात सबको पता है। ठीक है, क्रिकेट अलग चीज है, पर भैया जो हमारे जम्मू कश्मीर में हमारे भारत में ये आतंकवादी कर रहे हैं, और ये सबको पता है उसके पीछे पाकिस्तान के आतंकवादियों का हाथ है। और ऐसे में आप जो एक तरफ जहां हमारे जवान शहीद हो रहे हो, दूसरी तरफ हम क्रिकेट खेले वो भी जाकर पाकिस्तान में, ऐसा संभव तो नहीं होगा। इससे बेहतर ये कि जो पाकिस्तान की सरकार है सबसे पहले वहां के जो आतंकवादी गतिविधियां हैं जो भारत में करवाते उसको बंद करना पड़ेगा, तभी जाकर हमारे दोनों के रिश्ते सुधरेंगे। और यही जो मैसेज है वो भारत सरकार देना चाहती है। मेरे साथ स्पोर्ट बस इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज रूम पोस्ट।